डॉक्टर फातिमा तारिक फ्रॉम डेंटल स्क्वायर। आज हम एवर्जन के बारे में बात करेंगे। एवर्जन तब होती है जब आपका किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से क्राउन और रूट पोर्शन जो कि मतलब क्राउन पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है और रूट पोर्शन जो कि बोन के अंदर एम्बेडेड है वो दोनों इंटैक्ट होकर मतलब बाहर आ गया सॉकेट से। एवर्जन की मैनेजमेंट इस तरह होती है, अगर तो परमानेंट होता है तो फिर ये मैनेज हो सकता है। जो डिसिडुअस मतलब प्राइमरी टीथ है उनकी ये मैनेजमेंट नहीं होती, वरना वो परमानेंट दांतों को ख़राब करते हैं। अगर परमानेंट टूथ की एवर्जन हो गई है तो आपने उसको ऑन द स्पॉट क्राउन पोर्शन से पकड़ के आपने उसको वापस रीइम्प्लांट करने की कोशिश करनी है। इस दांत को अपने रूट से नहीं पकड़ना होता, वरना इसके जो पीडियल फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये वाले पीडियल फाइबर्स हमें नॉर्मली हीलिंग के लिए रीअटैचमेंट के लिए चाहिए होते हैं। आपने टूथ को क्राउन पोर्शन से पकड़ के वापस जहाँ से वो निकला आपने वापस उसको वहाँ पर रीइम्प्लांट करने की कोशिश करनी है। रीइम्प्लांट करके आपने कोई गॉज या कोई कॉटन रख के आपने उसको बाइट डाउन करा। आप कंफर्टेबल नहीं ऑन द स्पॉट इसको रीइम्प्लांट करने में तो आप ये कर सकते हैं कि एक ग्लास के अंदर मिल्क ले लें और उसके अंदर टूथ को डाल दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप सलाइवा के अंदर मतलब अपने मुंह के अंदर भी उस दांत को रख सकते हैं और आपने एज सून एज पॉसिबल डेंटिस्ट को विजिट करना होता है। लाइक विद इन 1 आवर आप डेंटिस्ट को विजिट करें ताकि वो उसकी मैनेजमेंट कर सकें। एनी फर्दर क्वेश्चंस डू लेट अस नो। थैंक यू।